राजस्थान में यूं तो सियासी हलकों में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं काफी समय से चल रही हैं, लेकिन इन चर्चाओं पर अब जल्द ही लगाम लग सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी के सामने अपनी पूरी बात रख दी है। गहलोत ने 3 दिन के दिल्ली दौरे पर सोनिया गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल और प्रभारी अजय माकन से भी मुलाकात की। सीएम गहलोत ने अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आखिरी निर्णय आलाकमान पर छोड़ दिया है। हाईकमान तय करेगा कि कब रिशफल होना है। हमने छोड़ दिया हाईकमान पर, जो मुझसे इंक्वायरी की गई राजस्थान के बारे में जी। मैंने ब्रीफ कर दिया है, सब बात है ठीक है। और अजय माकन जी हमारे महामंत्री आते रहते हैं वहाँ पर, उनको सारी जानकारी वहाँ पर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सियासी हलकों में अब मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, तो वहीं संभावित चेहरों को लेकर भी जोड़ तोड़ का समीकरण बनने लगा है। कांग्रेस के कुछ नेता तो यहां तक मान रहे हैं कि इस बार मंत्रिमंडल में एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत की तस्वीर देखने को मिलेगी। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने दिल्ली दौरे पर कहा कि होमवर्क पूरा हो गया है, जल्द ही पार्टी स्तर पर निर्णय होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, प्रियंका जी, केसी वेणुगोपाल और मेरा, हम चारों लोगों का बड़ा विस्तार से राजस्थान की पॉलिटिकल सिचुएशन की हम लोगों ने चर्चा करी है और रोड मैप आगे का क्या होना चाहिए उसकी चर्चा करी है। और सिर्फ मंत्रिमंडल की नहीं बल्कि 2023 में हम लोग कैसे वापस जीत करके आएंगे उसकी भी चर्चा। मंत्रिमंडल विस्तार के पिटारे का खुलना तय है। हालांकि अब ये देखना होगा कि गुटबाजी के बीच सीएम गहलोत के पिटारे में किसको और कौन सी जगह मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर।
बात करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खास दौरे की। दिल्ली से लौटे आए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गए थे तब यही था कि शायद हो सकता है कि लिस्ट दिल्ली से आउट करके आए, लेकिन अभी तक पत्ते खोले नहीं और आला कमान पे छोड़ा। तो एक बार फिर आला कमान का इंतजार होगा कि वो क्या निर्देश देती हैं जो गहलोत कह रहे हैं। और अगर बात करें अजय माकन की, तो अजय माकन एक बार फिर नई पैसी लगाई है कि जल्द होगा विस्तार। वो खुद भी लाचार रहे हैं कि डेट बताने में समर्थ नहीं है, कितनी बार बता चुके हैं। लेकिन खैर, आज हमारे पैनलिस्ट जो है वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत बड़ा एक राजनीतिक को नजदीक से देखा है, कई सरकारें देखी हैं। हम गहलोत जी के इस दौरे और मंत्रिमंडल का विस्तार या कहें कि रिसफलिंग कैसे देखें इसको, क्या इसके मायने हो सकते हैं दौरे के, अजय माकन के बयान के क्या मायने हो सकते हैं, अशोक गहलोत के बयान के क्या मायने हो सकते हैं, क्या उचित समय है या फिर हमें वेट करना चाहिए अभी कि गहलोत को पारी लंबी खेलनी है तो वेट करना चाहिए, अगर होगा तो कितने लोग हो सकते हैं, कितनी जगह खाली रखी जा सकती है। बहुत सारे ऐसे सवाल शायद दर्शकों के जहन में भी उठ रहे होंगे, सियासी गलियारों में भी इसी तरह से बातें हो रही हैं। तमाम पहलुओं को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा साहब हमारे साथ हैं, श्याम सुंदर शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। नॉन पॉलिटिकल पैनल है, अपने अपने तजुर्बों को आपके सामने शेयर करेंगे। और ओम जी से मैं जानना चाहूंगा, ओम जी दौरा जो रहा मुख्यमंत्री का, बहुत पहले हरीश चौधरी ने कहा था कि जिस दिन गहलोत जी दिल्ली लैंड कर जाएंगे समझ लो मंत्रिमंडल का विस्तार उस दिन हो जाएगा। ये दूसरा दौरा हो गया और गहलोत जी ने लौटते वक्त दिल्ली में मीडिया से बातचीत में ये कहा कि आलाकमान जैसे निर्देश देंगी वैसे ही होगा। ये तो मुझे लगता है कि एक डिप्लोमेटिक बयान, जो कोई भी मजा वाला राजनेता यही कहेगा कि जो आलाकमान निर्देश देंगे, अगर वो तय भी हो चुका हो तो लगता है आपको कैसे गहलोत तो वहां सबके सामने खुलासा करके आएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप योगेंद्र जी। एक बात जो पत्रकारों को, नए पत्रकारों को सीखनी चाहिए, जो इस तरह की खबरें लिखते हैं उनको देखना चाहिए कि बॉडी लैंग्वेज क्या है, संवाद का सिलसिला कैसा रहा है। आपने पहले से एक धारणा बना रखी है, उसी को आप स्थापित करने पर जुट जाते हैं कि अब के तो हो ही जाएगा, इसके स्कूप मारना चाहते हैं, तो उसका नतीजा ये होता है कि आपका स्कूप बार बार पिट जाता है, उस तरीके से नहीं होता जिस तरीके से। तो जैसे गहलोत एक पोलिटिकल एक्टर है, दूसरी तरफ पोलिटिकल एक्टर है, ये मैं पॉलिटिकल साइंस की जुबान में पॉलिटिकल एक्टर बोल रहा हूँ, लॉसवेल एक बहुत बड़े राजनीति शास्त्री रहे हैं अमेरिका के, वो इस्तेमाल करते थे इन राजनेताओं की जो जिस तरीके से अपने आप को बदल करके और ये सब नटके फिकर जाना, ये सब इसको इसलिए पॉलिटिकल एक्टर कहा। तो वैसे ही अशोक गहलोत बहुत मंझे हुए पॉलिटिकल एक्टर हैं और उनकी हैसियत अब जो कांग्रेस के अंदर लोग बैठे हैं उनमें मेरा ख्याल है कि सोनिया गांधी के उन लोगों के पास में है, उस नजदीकी में है जहां जैसा बताया जाता है कि सब अपना एक सिलसिला है, तो वो ऐसे तो बोल ही नहीं सकते। मैंने एक अखबार एक चैनल पे देखा जो बहुत प्रभावी है और जो जिसकी भाषा के लिए बड़ा वो है कि उनको हिदायत दी गई। हिदायत क्या मतलब, हिदायत परामर्श तो होता है, हिदायत क्या होती है? हिदायत में ऑर्डर भी है और परामर्श भी है। देखिए कितनी जानबूझ के कैसे तरीके से उन्होंने अपना वो किया। उसी तरीके से किसी ने कह दिया कि साहब अब सोनिया जी के साथ में जब बात होगी उसके बाद में फैसला। हमारे हेडलाइंस बन चुकी हैं आज के अखबारों की ना, पहले जो आज सुबह हमने देखी उसके हिसाब से। तो हो ये रहा है कि जो कुछ होना उसका एक संकेत बड़ा मिलता है, वो ये कि अशोक गहलोत साहब जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो अब उस किस्से को उस तरीके से नहीं देख रहे जैसे कि मानासर से निकलने के बाद में और जिस तरीके से साथ में लेकर के और लोगों को जब बोल रहे थे और जिस तरह की शब्दावली इस्तेमाल कर रहे थे उस तरीके से नहीं देख रहे। अब उनके लिए यह महत्वपूर्ण हो गया है कि केंद्र की जो राजनीति है उस पर आक्रमण करने के लिए राजस्थान का सीन कैसा बना रहना चाहिए। ये आज लगातार पत्रकार सवाल पूछ रहे थे कि साहब मंत्रिमंडल का क्या करेंगे, वो राजनीतिक नियुक्तियां कब करेंगे, वो सुन ही नहीं रहे थे, वो अपनी बात बोले जा रहे थे। तो मतलब ये है कि वो सारा ध्यान वहीं पर केंद्रित रखना चाहते हैं और यहां वाली बात के लिए कहना चाहते हैं कि देखिए अजय माकन साहब बैठे हुए हैं, सबसे बात हुई है, सबको पता है, आलाकमान जैसा कहेगा वैसा कर लेंगे। मतलब यह है कि वो ये भी नहीं कहना चाहते कि कुछ नहीं होगा, वो ये भी नहीं कहना चाहते कि वो जो कुछ पायलट साहब ने कहा है वैसा हो जाएगा या माकन साहब ने जैसा कहा, ये भाषा का जो सिलसिला है। लेकिन ये तय है कि अब कुछ न कुछ राजनीतिक गतिविधियां 2-4-5-7 दिन में होगी। ये
जैसे उन्होंने मजाक किया, उन्होंने ये कहा कि साहब मेरे को डेट पता नहीं होती, आप पहले से कहते हैं 28 तारीख को मंत्रिमंडल में ये शपथ ले लेंगे, ये निकल जाएंगे, ये नहीं। लेकिन प्रैक्टिकल ये है कि राजस्थान का जो स्थिति बना हुआ है, जैसे तीन मंत्रियों का एक 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 पद की वाले सिलसिले में उनको बाहर आना पड़ेगा तो आना पड़ेगा, और जैसे जो जगह खाली है उसमें मंत्री बनाने हैं तो बनाने पड़ेंगे, और जिनके आप वो गार्जियन बने थे उनको आपको संतुष्ट करना पड़ेगा, आप उनको उनको इनकार नहीं कर सकते, ये तय है, क्योंकि उन्हीं ने आपकी साख बचाई और आपको शासन में रखा, अन्यथा अगर वो लोग तो ये बातें समझ में आनी है। वह इस पर मेरा ख्याल है कि लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं और उसको खामखा एक स्कूप ठोक रहे हैं। चलिए मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, महेश जी के पास में जाना चाहूंगा। सर आपने देखे तीसरा कार्यकाल अशोक गहलोत साहब का देख रहे होंगे, इससे पहले इतने प्रेशर में नहीं रहे, दूसरे कार्यकाल में भी सरकार बनाने के लिए उन्हें निर्दलियों का किरोड़ी वगैरह का इनका सबका साथ लेना पड़ा था, वो लंबा नहीं चल पाया, कुछ लोग टिके कुछ नहीं टिके, लेकिन यह जो टाइम है खासकर ये मंत्रिमंडल का जो विस्तार है, आपको लगता है कि बहुत प्रेशर में गहलोत और बड़ा ही सोच समझ के निर्णय करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी लगातार विस्तार पर निगाहें भी टिकाए बैठी है, वो इस वजह से गुलाबचंद कटारिया कद्दावर नेता कह चुके हैं जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसी दिन पता लग जाएगा कि सरकार की स्थिति क्या है, तो एक चुनौती है। गहलोत आपको लगता है कि फूंक दे दे के पांव रख रहे हैं कि कहीं थोड़ा बहुत भी गड़बड़ नहीं हो, क्यों बैलेंस करना है, सबसे कमिटमेंट है, जब 56 डेज जब स्थिति वैसी रही थी या 34 जितने भी दिन रही, होटल वाला जो मामला रहा गत वर्ष, वो तमाम परिस्थितियां सामने होंगी और मंत्रिमंडल का विस्तार भी करना है, तो एक चुनौती है उनके सामने। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी चुनौती एक है, एक तरफ तो चुनौती है जैसे कि भाई साहब ने बताया अभी ओम जी भाई साहब ने कि एक केंद्र के केंद्र सरकार के साथ अब आगे क्या रणनीति तय की जाए, क्योंकि अब केंद्र सरकार के पास 3 साल का काम अवधि शेष है और राजस्थान में भी अब 2 साल की अवधि शेष है, और एक जहां तक गहलोत साहब के व्यक्तित्व का और जो बात है तो एक खास बात और ये भी है कि उनने वो उनका दाएं हाथ का एक्शन क्या होने वाला उनके बाएं हाथ को भी मालूम नहीं होता है, वो जो कृत्य मतलब समय के हिसाब से इस तरह से मतलब क्या कहते हैं जो अपनी पॉलिटिक्स खेलते हैं उसके बारे में प्रेडिक्शन ये कहना कि साहब मंत्रिमंडल का अभी हो जाएगा तारीख हो जाएगा, जिस तरह से वो ले रहे हैं और जिस तरह से वो कमेंट्स दे रहे हैं उससे ये साफ नजर आ रहा है कि अभी वो बहुत कुछ करने वाले हैं और करेंगे, उनको भी करेंगे और साथ साथ ही अब आगे की क्या गाइडलाइन तय होगी। दूसरा ये कि जो जो अभी चुनाव हुए हैं उसमें जिस तरह से उनको जीत मिली है तो ये भी एक उनके प्लस पॉइंट पर जो उनके जो खिलाफ जो असंतुष्टों का जो एक दौड़ दौरा चलता रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए एक संवाद एक वहां अपना प्रभाव दिखाने के लिए या प्रभाव का मतलब क्या कहते हैं क्या उसका रिएक्शन होता है क्या नहीं होता है तो उसको भी एक प्लस पॉइंट में लेने की वो अपना वो प्रदर्शन करने के लिए और सुना समझे। और दूसरा एक उनमें खासियत ये है कि जो भी फैसला लेते हैं उसमें वो हाई कमांड को कॉन्फिडेंस में लेते हैं, ये दूसरा उनकी है, तो ऐसी सूरत में और ये भी है समय का तकाजा भी है क्योंकि 2 साल की समय अवधि आपके पास है और नियुक्तियां बहुत हैं, अगर जो भी मंत्रिमंडल में अगर कहीं भी विस्तार होता है या हेर फेर होती है वहीं कहीं ना कहीं ये भी मान के चलिए बहुत ही यथार्थ है और व्यावहारिक है कि असंतोष अभी जो है वो दूसरे सूरत से शुरू हो जाता है, जिनको हटाओगे वो एक असंतुष्ट हो जाते हैं, जिनको लाओगे वो असंतुष्ट हो जाएंगे, और फिर ये है कि जब उपचुनाव में जो आप जहां जहां जीते हैं उन लोगों को जो मैसेज देने की बात है कि कांग्रेस आपके साथ है या हम आपके साथ भी करना है किस तरह से करना है। अब दूसरा एक ये कि जो बसपा छोड़ करके आए थे कांग्रेस की सदस्यता ली थी उनको भी एडजस्ट करना होगा और उनको एडजस्ट करने से कांग्रेस के कोटा वो कम हो जाएगा और कांग्रेस फिर उसमें से कुछ और बाकी तेवर दिखाई देंगे, पहले से ऑलरेडी जितने भी तेवर थे वो भी एक तरह से उनके लिए मैसेज है, उनको भी संतुष्ट करना और साथ साथ 2 साल तक लगातार अपना वो चलाना अपने जिससे प्रशासन भी बराबर रहे और शासन भी चलता रहे और अपना जो मंत्रिमंडल पे और सरकार पे स्थिरता बनी रहे इस पे भी मतलब क्या कहते हैं उनका ये सोच रहेगा और इस पे वो मतलब
कंसिडर करते रहे और जिससे ताकि राजस्थान में कांग्रेस का वजूद बना रहे। वो ये इस जो उपचुनाव के जो नतीजे हैं उससे कांग्रेस का व्यक्तित्व तो उभरा है और कांग्रेस की पैठ बढ़ी है, ये वो स्थापित करेंगे। और इसको ये भी एक चुनौती है कि आगे वाले चुनाव में कि कहीं मतलब क्या कहते हैं जो जनता की लहर विपरीत ना पड़ जाए उसको भी बरे कायम रखना है। तो ये कई चुनौती। मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास में, जब बात चुनाव पे ही चल पड़ी है तो मैं यहाँ अजय माकन का वो स्टेटमेंट भी कोट करना चाहूंगा जब उन्होंने कहा कि 2023 में कांग्रेस वापसी कर सके, इसको लेकर के भी प्रियंका गांधी से रूट मैप पे चर्चा हुई है, निश्चित रूप से हुई होगी। तो श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा, मंत्रिमंडल का विस्तार 2023 के चुनाव से बंधा हुआ है या कमिटमेंट से बंधा हुआ है कि अशोक गहलोत जो जब सरकार अल्पमत का एक उनके सामने संकट आया था तो उस दरमियान जो कमिटमेंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या 2023 क्या रहेगा अभी इसमें अगर होता है सामने मंत्रिमंडल? देखिए योगेंद्र जी, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी चुनौतियां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने हैं। एक तो ये है कि सचिन पायलट को किस भूमिका में रखा जाए, उनके लोगों को कितनी तरजीह इसमें दी जाए और संगठन में किस प्रकार से आगे का कामकाज कैसे चले। एक आज नई बात अशोक गहलोत ने जो कही, उन्होंने कहा कि बीजेपी में केंद्र के मंत्री होने के बाद भी प्रभारी बने रहते हैं तो हमारी यहाँ भी प्रवृत्ति शुरू की जाए कि जो हमारे प्रभारी बनाए हम भी मंत्री बनाए रखें। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर वो इसलिए कहना चाहते हैं कि कहीं अशोक गहलोत कमजोर नहीं पड़ जाए, सचिन पायलट के लोग ज्यादा आ जाए। तो इसलिए वो हाईकमान के सामने अपनी रीति नीति जिस प्रकार से वो चलाते आए हमेशा से, वो उनकी राजनीति पहले दौर में कुछ अलग होती थी, दूसरा कार्यकाल था जब उनकी अलग होती थी, तीसरा कार्यकाल में तो उन्होंने पिछले 3 साल बीत जाने के बाद भी मंत्रिमंडल में फेरबदल, तो चलो उनका अधिकार एकाधिकार है क्योंकि मुख्यमंत्री चाहेंगे वही तारीख तय होगी, कोई भी कुछ कहने से तारीख तय नहीं होगी, मेरे कहने से या ओम जी के कहने से या महेश जी कहने से तारीख तय नहीं होगी। मुख्यमंत्री जो तारीख तय करेंगे वो हाईकमान के सहमति से तय करेंगे और उस दिन शपथ होगा। ये बात सही है कि कायम बोल कोई भी कुछ भी कह ले कि मेरे कहने से कुछ नहीं, मुख्यमंत्री को एकाधिकार है और किसको लेना है किसको नहीं लेना है ये हाईकमान, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री जी हाईकमान के खिलाफ कहीं भी नहीं जाने वाले, वो उनके निश्चित रूप से वो कार्यकर्ता है। जब संकट के समय भी जब कांग्रेस का आया था तो अशोक गहलोत आगे बढ़कर के उन्होंने सहयोग किया था और इंदिरा गांधी को क्या इस परिवार को स्थापित करने में कहा था। और ये देखिए अभी जब कार्य समिति की बैठक हो रही थी और कार्य समिति की बैठक 16 को हुई है और 11 तारीख को दूसरी बार दो बार सोनिया गांधी से मिलने का सिलसिला, और आज तो व्यक्तिगत रूप से जो मिलने का मौका मुख्यमंत्री जी को मिला लंबे समय बाद, तो है अब नया क्या धुरी खुलेगी क्या कुछ होगा। क्योंकि देखिए राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जब 17 तारीख को सरकार 3 साल पूरे करेगी और आने वाले समय में जब 22 महीने बाकी रह जाएंगे, जब आपके नया जब 2023 में चुनाव होंगे दिसंबर में, तो एक नया किस प्रकार से हम वापिस से आए निकले संगठन को लेकर के जिस प्रकार से जो स्थिति कांग्रेस की इस बार बनी है, कभी मैंने तो शायद ओम जी भी साक्षी होंगे कभी इतने दिन तक संगठन में जिले स्तर पर कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया अब शुरू हो गई है, चुनाव प्रक्रिया के अनुसरूप जिला अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष बनेंगे या मनोनीत वापिस से होंगे, कुछ अभी कहने की स्पष्ट स्थिति नहीं बन पा रही है। अजय माकन बार बार कह तो देते, अजय माकन की हैसियत अशोक गहलोत के सामने इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव दिसंबर में होने संभावित है, 4 राज्यसभा के चुनाव यहाँ राजस्थान से होने, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका मुख्यमंत्री की रहेगी। उसके अलावा यहाँ अगर सचिन पायलट को कुछ पावरफुल बना दिया जाता है तो वो भी कुछ ना कुछ अलग तरह की प्रतिक्रिया करते हैं, इसलिए बांधे रखना सबको ये बहुत बड़ी चुनौती सोनिया गांधी जी के सामने भी है और अशोक गहलोत के सामने भी है, नहीं तो रिजल्ट विपरीत नहीं आ जाए। क्योंकि राज्यसभा में क्या लगता है आपको, मंत्रिमंडल के विस्तार में ज्यादा विलंब हो सकता है कि यहाँ बिल्कुल अब तो करना ही पड़ेगा? मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या फेरबदल होगा अभी ये विवाद का विषय है, अभी भी संशय बना हुआ है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा या विस्तार होगा। विस्तार में तो जितनी जगह खाली कर लो और वो खाली करने में बहुत कम सीट हो जाती है, लेकिन यहाँ संसदीय सचिव बनाए जाने की चर्चा बहुत जोरों पर है कि 10 संसदीय सचिव बनाए जाएंगे, तो संतुष्ट तो करना पड़ेगा। जब आपने बीएसपी से कांग्रेस में शामिल होकर के जो लोग आए वो कहते हैं, आप देखिए भंवरलाल शर्मा तो कह रहे हैं कि बुढ़ापे में शादी करके करूंगा क्या,
लेकिन दिग्विजय सिंह बुढ़ापे भी करते हैं। बहुत सारी समय थोड़ा कम है, मैं दो दो मिनट आप लोगों को वापस दूंगा। मैं ओम जी के पास जाना चाहूंगा। ओम जी, निश्चित रूप से देखिये, ये कार्यकाल अशोक गहलोत का एक चुनौती भरा है। पहले मुख्यमंत्री के लिए, पहले मुख्यमंत्री बनने के लिए इतनी चुनौती नहीं रही, पहले कार्यकाल में किसी तरह की कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं रही, दूसरे में नहीं रही, बेशक ऑब्जर्वर दिग्विजय सिंह आए, लेकिन तीसरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री के पद को बनने के लिए भी बड़ी चुनौती रही। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि दो बार एयरपोर्ट आकर के वापस जाना पड़ा, इस तरह की परिस्थितियां भी बनी। लेकिन अभी मंत्रिमंडल का विस्तार भी उसी तरह की चुनौती है। क्या लगता है आपको कि ये मंत्रिमंडल का विस्तार जो होगा ये संकट से हल करने वाला होगा, या फिर 2023 का भी कुछ इस पे इंपैक्ट दिखाई देगा? दोनों बातें होंगी। एक तो ये कि किस तरह के सियासी हालात बने हुए हैं। इन उपचुनावों से पहले बड़ा बहुत कुछ कहा जा रहा था कि तो ये हम लोगों ने ही चर्चा में कहा था कि ये एक तरफ तो सतीश जी पूनिया के लिए उनके संगठन में कितना दबदबा है और संगठन कितना ऑर्गेनाइज है इसका पता लग जाएगा, क्योंकि संघ पूरी तरीके से उनके साथ में जुटा हुआ था। दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर ये बताया जा रहा था कि सब सचिन पायलट और उनके साथ के लोग भी सब कांग्रेस के साथ में लगे हुए हैं और अब के तो ऐसा होगा। लेकिन मुझे लगता यह है कि सारी जो इसमें, और गुलाब जी जैसे लगातार कह रहे थे कि जैसे ही ये हुआ नहीं और ताश के पत्तों की तरह से बिखर जाएगी, ये सब ये जो बातें थी, तो पता लगा कि संगठन के स्तर पर भी और सरकार के स्तर पर भी सरकार ने, वर्तमान सरकार ने, अशोक जी ने बाजी मार ली, और बाजी मारने का संकेत और मैसेज पूरा दिल्ली तक पहुंचा है। और दिल्ली से जो बात लेके वो आए हैं और दिल्ली में जो चर्चा करते हैं कि हमारा ध्यान केंद्र की ओर होना चाहिए, केंद्र की पॉलिसीज की ओर होना चाहिए, जो हमारे प्रांत के अंदर एक हालात बन रहे हैं उनको लोग समझे, उसकी तरफ जागृत हो। इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ या नहीं हुआ, लेकिन निश्चित रूप से जब इस पे जब थीम बन जाएगी कि यस केंद्र के ऊपर सबकी निगाहें हैं, तब अचानक ये मंत्रिमंडल में फेरबदल कर सकते हैं या कुछ जोड़ सकते हैं। लेकिन इससे ये मैसेज तो हरगिज नहीं जाएगा कि वो लोग जो मानेसर से बगावत करके निकले थे और जिन्होंने आंखें दिखाई थी उनको कुछ लाभ हो गया। हालांकि इन्होंने जो बताया है, जो आज बोले हैं मुख्यमंत्री सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद में, वो ऐसे ही बोले हैं कि बस हो जाएगा, जिनको देना है वो सब ठीक है और अब कांग्रेस की हालत बड़ी बेहतर, यूं करके ना। तो ये, लेकिन ये संकेत हरगिज नहीं जाने देंगे वो, जहां तक मैं जानता हूं। उनका कमिटमेंट आला कमान के लिए 100% है, लेकिन उनका कमिटमेंट साथ साथ में इस बात के लिए भी है कि सब ये लोग जो मेरे साथ में बने रहे उनको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, उनकी तो पूरी वो होनी चाहिए। तो यूं ही जाएगी दरअसल, और धीरे धीरे माइल्ड तरीके से जो इसको डाइल्यूट कर रहे हैं, ये डाइल्यूट करने के साथ अचानक आपको पता लगेगा कि परसों मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है या मंत्रिमंडल से ये लोग जा रहे हैं। अशोक गहलोत को तय करना है, अगर वहां से क्लियरेंस मिल चुका तो अशोक गहलोत, जैसे अभी महेश जी ने भी कहा कि साथ को इसका रिसात को इसका पता नहीं रह सकता, जब होगा अचानक होगा, और होता भी तभी है कि जिसका इंतजार है वो एक सरप्राइज की तरह प्रदेश को मिलेगी। लेकिन हम लगता नहीं है कि बहुत लंबा होगा, ये अशोक गहलोत खुद भी संकेत दे चुके हैं दिल्ली में और अजय माकन भी कह चुके हैं। तो ये तो तय है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या रिशफलिंग हो या उसमें से कुछ लोगों का फेरबदल होगा। दो बातें, फेरबदल या विस्तार, या पैटर्न कौन सा होगा। और इसके साथ ये भी निगाहें टिकी हुई हैं कि सचिन को क्या मिलेगा, सचिन मतलब उसके खेमे को या अशोक गहलोत खेमे को क्या मिलेगा, निर्दलियों की क्या स्थिति रहेगी। तमाम पहलू हैं, वो मुंह बाए खड़े हैं, लेकिन जवाब तभी मिलेगा जब सामने तस्वीर साफ होगी। महेश जी के पास जाना चाहूंगा। महेश जी, मैं 2023 को इस वजह से जोड़ रहा हूं कि अजय माकन कह चुके हैं कि हमने जिस रूट मैप पे चर्चा की है वो 2023 का विजन रहा है। तो राजनीतिक नियुक्तियां हो या फिर विस्तार, या कहें कि उसमें फेरबदल जो भी होगा, 23 के मद्देनजर किया जाएगा, या फिर एक बार के लिए जो असंतुष्ट उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश की जाएगी? नहीं, स्वाभाविक एक चुनौती ये कि सरकार, कांग्रेस सरकार राजस्थान में स्थिर बनी रहे, ऐसा कोई असंतोष नहीं है, एक चीज तो ये है। और दूसरा ये है कि जो उन्होंने जो जितनी घोषणाएं जो की है, जो उनके चुनाव घोषणा पत्र में जो है, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सारे काम प्रभावित हुए हैं, और इसको जी मैं आऊंगा महेश जी के पास में, कुछ टेक्निकल उनके यहाँ प्रॉब्लम हुई है, मैं श्याम जी के पास में जाना चाहूंगा। जी कंटिन्यू करिए आप। हाँ, आज जिस तरह से ये भी है, और दूसरा एक जो सबसे बड़ा बात ये है कि केंद्र सरकार के, चूंकि अभी 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, ऐसी सूरत में ऐसा कोई नहीं हो जाए
कि जो अभी मंत्रिमंडल विस्तार के चुनाव असंतोष के पर बाद में चल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति जो है राष्ट्रीय स्तर पर धीरे धीरे काफी घटती जा रही है। ऐसी सूरत में ये नहीं चाहते कि भाई राजस्थान जहां सरकार है ज्यादा कंसंट्रेशन उनका इस बात पे रहा होगा कि केंद्र पर कैसे प्रहार किए जाए। खासकर आपने ये देखा होगा कि चुनाव में महंगाई को इन्होंने मुद्दा बनाया था, पेट्रोल और डीजल के दामों को इन्होंने मुद्दा बनाया था, उसका नतीजा यह है कि दोनों सीटें आई है। और दूसरा उसका और दूसरे प्रदेशों में भी जो उपचुनाव हुए हैं उनमें भी रिजल्ट कांग्रेस के फेवर में आए हैं। तो ऐसी सूरत में ये चाहते हैं कि इस ये जो महंगाई का मुद्दा जो है उस स्ट्रेटेजी को कैसे कैसे बनाया जाए और कौन कौन से मुद्दे और आगे बढ़ाए जाए बढ़ाए जाए। चलिए, हाँ, जहां तक मंत्रिमंडल के विस्तार का वगैरह का, तो वो एक साधारण प्रक्रिया है, वो कभी भी निपटा जा सकती है। जी श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा। मेरा सवाल ये है कि चुनाव मुद्दे इनको लेकर के, क्योंकि ये बात अशोक गहलोत ने भी कही है और बात माकन ने भी कही है कि हम लोगों ने 23 के साथ साथ जो जन जागरण अभियान शुरू करेंगे उसको लेकर के भी हमने चर्चा की है। तो जो भी महेश जी कह रहे हैं कि चाहे माकन कहें कि एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है केंद्र सरकार को घेरने के लिए, क्योंकि ये बात इस वजह से आ रही है कि नॉर्थ ईस्ट साउथ में क्या पोजीशन रहेगी कांग्रेस को खुद को पता नहीं है, लेकिन मिडिल इंडिया जो है यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इनमें अपनी ताकत बनाए रखनी होगी, गुजरात, ये इस वजह से है कि बीजेपी का भी फोकस यही होगा और कांग्रेस का भी यही होगा। अगर हम देखें कि बॉर्डर स्टेट्स जो है वहां रीजनल पार्टी ज्यादा डेवलप हो चुकी हैं, अब को नेशनल पार्टी का भी वो अपने आप को मान करके चल रही है, वहां दोनों पार्टियों के लिए मुश्किल है। तो ये बात भी सही हो सकती है कि मंत्रिमंडल का विस्तार तो है ही, उसके अलावा इन मुद्दों पे भी चर्चा की हो, क्योंकि समय कम है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए योगेंद्र जी, मंत्रिमंडल का विस्तार तो अब संभव है क्योंकि चर्चाएं सब हो चुकी है, कमेटी ने दो बार फैसले कर लिए, मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के फैसले कर लिए, तो ये तो मान के चलिए, और सचिन पायलट से भी बातचीत हो चुकी, तो इसलिए बहुत ज्यादा ये इफ एंड बट वाले बात तो नहीं है। अब क्योंकि आप देखिएगा कि अभी राज्यपाल भी सम्मेलन में दिल्ली में मौजूद है, वो 13 तारीख को लौट के आएंगे, तो आप मान के चलिए 15 और 17 के बीच में कुछ ना कुछ संभव है, और बहुत ज्यादा आप डिले नहीं होगा। और कल से क्योंकि जनजागरण अभियान होना है शुरू, तो पेट्रोल और डीजल पर जो वेट कम करने का जो दबाव बना हुआ है, तो मुख्यमंत्री जी आज रात को फैसला कर सकते हैं कि जब पंजाब ने कर दिया तो हम भी करते हैं, फैसला लेंगे, क्योंकि वो कह चुके हैं कि हमारे पर दबाव इसलिए कि बाकी लोग कर चुके हैं और हमको अब टारगेट बनाया जा रहा है, तो हम भी जनता के साथ हैं, और जो भी कुछ होगा, अब घाटा होगा होगा तो सहन करना पड़ेगा। लेकिन ये बात सही कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो आप देखेगा कि नवंबर का और दिसंबर का महीना राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, महत्वपूर्ण इस मामले में होगा कि 20,000 नियुक्ति दृष्टि से भी और राहत की दृष्टि से भी और मंत्रिमंडल का अगर कुछ 20,000 नियुक्तियां जो ब्लॉक और जिला स्तर पर सरकारी भागीदारी होनी है वो, और राज्य स्तर पर जो कुछ भागीदारी होनी है वो, और मंत्रिमंडल का फेरबदल, तो स्वरूप बहुत ज्यादा बदल जाएगा, क्योंकि बीजेपी सक्षमता से कहने की स्थिति में नहीं आ रही, क्योंकि वहां जो फूट और जिस तरह का सामना देखने को मिला। माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा। तो चलिए, दिल्ली दौरे पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, हमारे राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मंत्रिमंडल का विस्तार तो होगा, लेकिन अशोक गहलोत केवल मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए ही चर्चा करे ये असंभव है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं, उनका कद है, उनका कई मुद्दों पर सलाह ली जाती है, चाहे गुजरात का मुद्दा हो, चाहे उत्तर प्रदेश का मुद्दा हो, या फिर महंगाई से लड़ने के लिए केंद्र से कौन सी रणनीति अपनाई जाए, तमाम पहलुओं को लेकर के चर्चा हुई और इनके संकेत भी दिए गए हैं। लेकिन राजस्थान की जनता का जो जानने का एक हक है, या फिर कहें कि उनकी जिज्ञासा है, वो मंत्रिमंडल के विस्तार पर है। बेशक हम लोग राजनीतिक दृष्टि से हर पहलुओं को कोशिश करते हो हमारी समीक्षा के माध्यम से या जर्नलिस्टिक अप्रोच के जरिए, लेकिन बात घूम के वही आती है, प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि मंत्रिमंडल के विस्तार में होगा क्या। बेशक उनके अपने नहीं हो, लेकिन इंतजार जरूर है, और वो गहलोत साहब भी उस इंतजार की घड़ियां दूर कर सकते हैं जब वो चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जनटीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।